हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं CTI का जो काउंसलिंग डेट है वो डिक्लेयर हो गया था 2 दिन पहले ही, लेकिन थोड़ा वीडियो लेट हो गया था। देखिए, इस वीडियो में हमको एकदम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि आपका काउंसलिंग कब होगा, आपका फ़ी पेमेंट कब कटेगा, आपको कॉलेज अलाउट कब होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करने जाना है और प्रोविजनल एडमिशन कब होगा, सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, फेज़ फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, फर्स्ट फेज़ मतलब ये यहाँ पर 3-4 राउंड इसके होते हैं। इसमें फ़िलहाल मैं 3 ही राउंड दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू मी, और मैं आपको देख के बता रहा हूँ। देखिए, सेकंड फेज़ ये रहा, थर्ड फेज़ ये रहा, और स्पोर्ट एडमिशन इसमें 3 राउंड दे रखे हैं, लेकिन आगे भी फोर्थ राउंड भी होता है और फिर उसके बाद में स्पोर्ट एडमिशन होता है। देखिए, अब देख लेते हैं यहाँ पर हम। देखिए, 15 नवम्बर को यहाँ पर आपका क्या है, सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट एज पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ी। मतलब कहने का मतलब इसका हो गया कि आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और लगभग 5 या 7 कॉलेजेस का नाम आपको सिलेक्ट करना होता है, और फर्स्ट चॉइस को पहले नंबर पर उसी कॉलेज को रखें जिसको आप रियलिटी में लेना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट चॉइस आपको मिलने के बाद क्या होता है, ट्रांसफ़र भी नहीं होता है ना। तो आपको अगर अदर चॉइस में कोई मिल जाता है तो आपको कॉलेज ट्रांसफ़र भी बाद में कर सकते हैं। तो आपको क्या है, 15 और 16 तारीख को आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्टेड करना है, और उसके बाद में क्या करना है, आपको फ़ी पेमेंट करनी है। देखिए, फ़ी पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फ़ीस इसकी नहीं काटेंगे, जब तक आपका ये काउंसलिंग आपकी नहीं होगी। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर हमारा इस वाले काउंसलिंग में फ़ी नहीं कट पाया है और सर्वर बिजी चल रहा था या वो है। देखिए, इसमें 2 तरीके से आप फ़ीस काटिए, या तो आपने कंप्यूटर लैपटॉप पर आप काट के देखिए, या किसी साइबर कैफे पर कटवाइए। अगर वहाँ नहीं कट पा रहा है, अगर साइट बिजी चल रहा है, तो ये मोबाइल से तुम काट के देखिए फ़ीस को, तो मोबाइल से कट जाता है। कई बार पिछली बार ऐसा भी हुआ था, पिछले 2 साल से मैं देखता रहा हूँ कि कई बार कंप्यूटर पर कट ही नहीं रहा है फीस, बार बार साइट बिजी जा रहा है, लेकिन मोबाइल से ये हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका इस चीज़ को भी ट्राई करिएगा। तो फ़ी पेमेंट 1000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस इसकी रहती है। जब तक आप 1000 रुपये इसका पे नहीं करेंगे, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, जब तक आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में अगर फ़ीस नहीं कटवा पाते हैं किसी भी कारण, तो इस बात की टेंशन मत लेना कि सेकेंड वाले जो राउंड है उसमें आपका नहीं हो पाएगा। अगर आप सेकेंड राउंड में फ़ीस काट देंगे तो सेकंड राउंड में भी आपका हो जाएगा, लेकिन फ़ीस आपको काटनी होगी। और ये भी ये है कि हर राउंड में आपको फ़ीस नहीं काटनी है। अगर पहले राउंड में तुमने फ़ीस काट दी और आपको कॉलेज नहीं मिला, तो वही फ़ीस सेकंड राउंड में भी काम आएगी, और वही फ़ीस थर्ड राउंड में काम आएगी, वही फ़ीस फोर्थ राउंड और स्पोर्ट में भी काम आएगी। मतलब फ़ीस एक बार काटनी है और सभी राउंड में तुम काउंसलिंग करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही राउंड में फ़ीस 1000 काटनी है, फिर दूसरे राउंड आएगा जब 2-1000 और काटनी है। नहीं, एक बार काटनी है। ठीक, अब उसके बाद देखिए, 15-16 नवम्बर को आपको फ़ीस काटनी है और कॉलेज सेलेक्ट करना है, बस। अब देखिए, 17 नवंबर को आपको क्या करना है, 17 नवंबर को आपको क्या है, काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको कॉलेज, आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट अपेयरिंग द कैंडिडेट लॉगिन, मतलब आपको जो अलॉट हुआ है जो कॉलेज आपको 17 तारीख को मिल जाएगा। ठीक, 17 तारीख को आपको कॉलेज मिल जाएगा, आके आपको ये वाला कॉलेज मिला है। तो फिर आपको क्या करना है, 18 तारीख को यहाँ पे कैंडिडेट अप्रोच नियरेस्ट NSTI। ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट का कॉलेज मिला है, जो उसके घर के आसपास कॉलेज कहीं भी मिला हो ऑल ओवर इंडिया में, चेन्नई, हैदराबाद, महाराष्ट्र है ना, लुधियाना, कहीं भी आपको कॉलेज मिला है, लेकिन आपके नज़दीक, आपके घर के नज़दीक कौन सी NSTI है। अगर आप UP में रहते हैं तो UP में देखिए, आपका कानपुर में NSTI है, वहाँ जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और प्रोविजनल एडमिशन करा सकते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या है, हाई स्कूल की मार्कशीट, ITI की, डिप्लोमा की, BTech की ये मार्कशीट होती हैं, और आपका आधार कार्ड होता है, आपका मूल निवास होता है, आपकी जाति होती है, ये सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक किए जाते हैं। तो मतलब अपने घर के नज़दीक जितने भी NSTI हैं, और यहाँ नोएडा में भी है, देखो आप नोएडा में भी करा सकते हो। NSTI एक नोएडा में खुला हुआ है,
जो कि पिछले साल से ही वर्किंग है, पिछले साल भी इसमें प्रोविजनल एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। नोएडा करा सकते हो और कानपुर करा सकते हो, यूपी में दो ही जगह। ये नहीं कि आप सभी ITOT में करा सकते हो। देखिए ITOT में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रोविजनल एडमिशन नहीं होता है, केवल NSTI में होता है, नेशनल में योग सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक, अब क्या करना, 18 तारीख और 19 तारीख को ये दो दिन चलेगा। दो दिन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रोविजनल एडमिशन करवा लेना, उसकी वहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। जो आप ये सोच रहे हो कि इसकी फ़ीस लगेगी, वो यहाँ फ़ीस नहीं लगती। फ़ीस कहाँ जमा होगी, जहाँ आपको कॉलेज मिला है, जब उस कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा वहीं पर आपकी फ़ीस जमा होगी। ठीक, अब देखिए 20 तारीख को क्या होगा, 20 तारीख को ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑनलाइन होगा। जो आपका प्रोविजनल एडमिशन जब हो जाएगा और कैंडिडेट को, और उसको लग रहा है कि मुझे ये कॉलेज सही नहीं लग रहा और उसे फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है, अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल गया तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कहने का मतलब हो गया कि आपको अपने दूसरा कॉलेज आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज में आप ट्रांसफ़र कर लो, हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद आपका फिर वो यहाँ पर 21 तारीख को क्या होगा, 21 नवंबर को यहाँ पर ट्रांसफ़र का लिस्ट कन्फर्मेशन हो जाएगा और वैकेंसी के सबके लिए डिस्प्ले आपको कर दिया जाएगा, दैट इज़। ठीक है, फिर 22 नवंबर से आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, क्या है, सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो 22 नवंबर को वही प्रोसेस रहेगा कि फ़ीस कटनी है और आपका जो है फ़ीस कटेगी और आप कॉलेज सेलेक्ट उसमें कर सकते हैं। फिर सेम प्रोसेस यही है, 22 और 23 नवंबर को फ़ीस कटेगी और कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। 24 और 25 और 26 नवंबर को क्या होगा, 24 नवंबर को आपको कॉलेज मिल जाएगा और 25-26 को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रोविजनल एडमिशन करवा देना है। फिर 27 तारीख को आपका ट्रांसफ़र का मिल जाएगा और 28 तारीख को आपका ट्रांसफ़र कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, सेम प्रोसेस जैसा थर्ड फेज़ का भी, थर्ड फेज़ में भी आपको 29 और 30 तारीख को फ़ीस कटेगी और यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। फिर 1 तारीख को आपको कॉलेज मिल जाएगा, फिर 2 और 3 तारीख को आपको फ़ीस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रोविजनल एडमिशन करवाना है। ठीक है, और 4 दिसंबर को आपका क्या हो जाएगा कि ट्रांसफ़र हो जाएगा और 5 दिसंबर को आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। फिर स्पॉट एडमिशन वो होता है, स्पॉट एडमिशन उसे कहते हैं पहले आओ और पहले पाओ। जिन NSTI में जो सीट खाली है या ITOT में जो सीट खाली है, यहाँ पर नेट पर आप देख सकते हैं किस में कितनी सीट खाली है, पहले चले जाओ NSTI और डायरेक्टली अपने कागज़ दे दीजिए, तो वहाँ आपका एडमिशन कर लिया जाता है। ठीक, तो आगे और भी डिटेल में इसमें सब बताने वाला हूँ, हो सकता है आज शाम को मैं एक नया वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा और वो कल पब्लिश कर दूँगा। ठीक, तो आई होप इस वीडियो में थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर मिली होगी, नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। और मैं NSTI हैदराबाद से CTE किया हुआ हूं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोज़ देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।